Hey guys, this is Sonam and once again welcome back to another new blog. तो आज सैटरडे वाला दिन और अभी दोपहर के कुछ एक बज रहे हैं और सुबह से हमारा कोई प्लान नहीं है. हमारा उठना, नहाना, धोना, खाना पीना, मतलब खाना पीना तो नहीं हुआ, ऑब्वियस सी बात है, नाश्ता सब हो गया है. लेकिन अचानक से मेरे हस्बैंड को कुछ काम आए हॉस्टलों में, तो वो हॉस्टलों जा रहे हैं. तो हम सोच रहे हैं ना कि हम और बाबू हम लोग भी साथ में चले जाते हैं और वीकेंड है तो हमारा वहाँ पे ग्रोसरी भी हो जाएगा, क्योंकि हॉस्टल जो है ना वहाँ पे बहुत सारे इंडियन शॉप्स है और इंडियन ग्रोसरी के लिए हमें ऐसे भी हमें बाहर जाना था तो बेटर है कि वहाँ जा रहे हैं तो एक ही साथ शॉपिंग भी आ जाएगा. हमारे फ्रेंड्स भी वहाँ रहते हैं तो उनसे मिल भी लेंगे, तो ये अच्छा मौका है. तो देखिए सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है तो अभी हम कुछ नहीं करेंगे और रेडी हो गए हैं हॉस्टल जाने के लिए. तो चलिए आपको भी दिखाते हैं और वहां जाकर के आपके साथ एक्सप्लोर करेंगे कि हम वहां पे इंडियन ग्रोसरी कैसा होता है. बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए, तो देखते हैं कितना कर पाते हैं क्योंकि हम लोग ऑलरेडी लेट हो रहे हैं. देखते हैं ट्रेन से जाएंगे या बस से जाएंगे, कुछ डिसाइडेड नहीं है. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं हम आपसे हॉस्टल. और खाने में आज ये अभी बन रहा है पनीर की सब्जी, रोटी और धनिया पत्ते की चटनी. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gone live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious. I'ma go cause some pain, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm back. तो गाइज हम अभी आ गए हैं हॉन्सलो और ये हॉन्सलो का हाई स्ट्रीट. अभी ये बूट शॉप है, इसके अंदर जाएंगे. यहाँ पे जनरल मेडिसिन, कॉस्मेटिक्स सब कुछ मिलते हैं. और ये देखिए नंबर 7, इसका भी काफ़ी अच्छा रिव्यू मिल रहा है. इसके प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे भी बिक रहे हैं अभी यहाँ पे. और अभी हमें कुछ लेना था तो वहाँ से हमने ले लिया. और अभी मेन हम लोग को ग्रॉसरी लेना था. और यहाँ पर ये देखिए बाबू, क्योंकि इसको ना अभी नया नया चलने आया है तो ये अपने बग्गी में आ ही नहीं रहा था बिल्कुल भी नहीं, और जिद कर रहा था पैदल चलने के लिए. तो अभी ये कुछ दूर पैदल ही चलेगा. कुछ परेशानी नहीं था क्योंकि यहाँ पे हाई स्ट्रीट था ना, तो बस ये सब ज़्यादा नहीं चल रहे थे तो इसको साइड से हम लोग छोड़ दिए थोड़ी देर के लिए. तो ये पैदल गया. और ये देखिए मार्केट प्लेस हॉन्सलो का है गाइज. ये बहुत ही अच्छा शॉप है. इसके अंदर ना खाने के बहुत सारे आइटम्स मिलते हैं, बहुत सारे कंट्री के आइटम्स रहते हैं. यहाँ पे हमने शोरमा रोल ट्राई किया, काफ़ी अच्छा है. अगर आप भी कभी आते हैं हॉन्सलो तो यहाँ का शोरमा रोल डेफिनेटली ट्राई करें. और ये देखिए आइसक्रीम, बहुत सारे आइटम्स हैं यहाँ. गोलगप्पे, चाट्स, आपको जो भी चाहिए हर एक आइटम यहाँ पर आपको मिल जाएगा. और काफ़ी वर्थ है, इसका प्राइस भी वर्थ है और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है. तो अगर आप चाहे तो आप यहाँ पे डेफिनेटली आकर के एक्सप्लोर कर सकते हो एक बार. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody. और ये है हॉन्सलो का क्वालिटी फ़िश. यहाँ पे गाइज हर एक टाइप के आपको फ़िश मिलेंगे. ये देखिए, मुझे उतना नाम खुद नहीं पता है फ़िश के, लेकिन हाँ आप यहाँ देख सकते हैं कुछ रेट भी लिखा है. 7 pound अप्रॉक्स 5.99, मतलब हर एक फ़िश का अलग अलग प्राइस है. तो यहाँ पे सारे फ़िश यहाँ पे मिलते हैं. तो गाइज़ ये है क्वालिटी फूड्स. ये है हॉन्सलो में एक इंडियन ग्रॉसरी का शॉप है. यहाँ पे आपको हर एक आइटम्स मिल जाएंगे. तो मेन हमको इसी शॉप में आना था क्योंकि हम लोग जब कभी भी हॉन्सलो आते हैं ना तो सोचते हैं कि यहीं से ग्रॉसरी का शॉपिंग कर लिया जाए, क्योंकि एक जगह पे सारी सामानें अवेलेबल रहती, इजली मिल जाता है. सब्जी से लेकर के आपको आलू प्याज ग्रॉसरी जो भी चाहिए ना, सब कुछ अवेलेबल रहता है. तो हमें कुछ दाल आइटम मेन चाहिए था, जैसे तुअर दाल और चना दाल, और मेन पोहे चाहिए था और कुछ गुड़ चाहिए था. तो मेन ये 4-5 आइटम कुछ जो था कंपलसरी था, और बाकी का तो देखने के बाद जो भी ध्यान में आ रहा था वो हम लोग ले रहे थे. तो सोचे थे कि आज
सोचे कि आज हम लोग शॉपिंग करने यहाँ आए हैं तो क्यों ना आपके साथ भी शेयर कर ले। और हम लोग हौसलों किसी काम से आए थे तो ये बेस्ट ऑप्शन था, क्योंकि वीकेंड भी था और हमें शॉपिंग करने जाना ही था किसी न किसी इंडियन ग्रॉसरी शॉप में, तो बेस्ट था यहीं पे आ गए। और ये देखिए चावल, यहाँ पे बहुत वैरायटी के चावल मिलते हैं। और यहाँ पे बाबू ना बहुत परेशान कर रहा था उस दिन, पता नहीं क्यों। तो हम लोग फटाफट अपना शॉपिंग कंप्लीट किए, ज़्यादा कुछ सूट नहीं किए आपको दिखाने के लिए, लेकिन हाँ आपको एक आइडिया लग गया होगा। अगर आप हौसलो आते हैं तो क्वालिटी फूड से आप डेफिनेटली अपने सारे ग्रॉसरी का शॉपिंग कर सकते हैं, ये आपको बेस्ट आइडिया है। और इसके बाद हम लोग अपना शॉपिंग कम्प्लीट करके और फिर घर निकल गए, क्योंकि हम लोग को वापस हैरो भी जाना था और वो थोड़ा दूर है, अप्रॉक्स 1.5 आवर लगता है। तो यहाँ से अब हम लोग अपना शॉपिंग कम्प्लीट ही लिए अब फिर बाहर निकलेंगे। और ये देखिए बाहर निकल गए और इनको है ना पूरा अपोजिट डायरेक्शन में ही जाना था, जिधर हम लोग को जाना था उसके उल्टा इनको जाना था। I'm sick of being cautious, I'ma go cause something, can't stop this, I'ma steal everybody's lane, call it shoplift, sick of hearing everyone come. तो गाइज ये है हौसलो का हाई स्ट्रीट और यहाँ पे ना मोस्टली इंडियंस रहते हैं, तो आपको इंडियन अगर कुछ भी सामान चाहिए होता है ना तो यहाँ पे इजिली मिल जाता है और काफी अच्छा लगता है यहाँ पे आकर के। I'm sick of being cautious, I'ma go cause something, can't stop this, I'ma steal everybody's lane, call it shoplift, sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes, it makes me go change into a better frame, into a better name, society's insane, we all live for fame, yeah. और हौसलो में ना काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांड के भी शोरूम्स हैं यहाँ पे, जैसे कि नेक्स्ट हो गया, H&M हो गया, TK Maxx हो गया, काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांड के यहाँ पे शोरूम है। तो अगर आप एक बार हौसलो आते हैं तो आप यहाँ से सारे शॉपिंग करके जा सकते हैं। यह है ट्रीटी सेंटर, देखिए इसके अंदर में ना काफ़ी अच्छी मार्केट लगती है, लेकिन अभी हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि अंधेरा होने वाला है ऑलमोस्ट। और ये देखिए सुपर ड्रग्स, इसके अंदर ना काफ़ी अच्छे कॉस्मेटिक्स मिलते हैं, बहुत अच्छे ब्रांड है ये यहाँ पे। और ये देखिए ट्रीटी सेंटर का मेन गेट है, मेन एंट्रेंस ये है, इसके अंदर अगर आप जाते हैं ना तो काफ़ी अच्छे अच्छे शोरूम्स हैं, लेकिन कभी दूसरे दिन आपको हम डेफिनेटली अंदर जा कर के एक्सप्लोर करेंगे, अभी अंदर नहीं जाएंगे। और ये रहा हाई स्ट्रीट हौसलो का, आप यहाँ पे देखिए अभी भी काफ़ी सारे लोग हैं। Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only got one, so you better go live it up, cash. और गाइज अभी हम लोग आ गए हैं आजदा, हौसलो में आजदा भी है और ये बहुत बड़ी सुपरमार्केट है। अगर आप यहाँ पे भी आते हैं तो आपको सारे एसेंशियल्स आइटम आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे। और ये अंदर देखिए काफ़ी बड़ी सुपरमार्केट है, तो अभी हम लोग इसके अंदर जाएंगे और जल्दी से कुछ कुछ जो भी ज़रूरत के सामान है वो लेंगे और इसके बाद वापस घर जाएंगे। बज रहे हैं अप्रोक्स 12 और अभी हम लोग हौसलों से आ गए हैं। वहाँ हम अपने एक फ्रेंड के घर भी गए थे, एक्चुअली हम लोग को कुछ काम था तो वहाँ गए थे, तो सोचे कि चलिए जब जा ही रहे हैं तो अच्छा मौका है वहाँ से ग्रॉसरी शॉपिंग भी कर लिया जाए, तो वही हम लोगों ने किया है। और अभी घर आने के बाद चेंज कर लिए, पूरे घर में सामान फैला हुआ है, ग्रॉसरी आइटम सब कुछ फैला हुआ है, लेकिन अभी नहीं अरेंज करेंगे क्योंकि बहुत थक गए हैं। अभी जाकर के डायरेक्ट सोएंगे और कल उठने के साथ ही सब अरेंज करना है। और आई होप आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया हो। एक्चुअली हौसलों में बहुत ऐसा कुछ है जो कि हम एक्सप्लोर कर सकते हैं आप लोगों के साथ में, लेकिन इस बार हमारे पास उतना टाइम नहीं था जिसके कारण से हम ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किए, क्योंकि जाने के वक्त भी थोड़ा लेट हो गया था। तो बस अपने शॉपिंग किए, अपने कुछ ग्रॉसरी आइटम लेना था, जो जो काम की चीजें थी ना वही सबने अपने लिया और आपको वीडियो में ऑलरेडी दिखाए हैं। तो आई होप आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहां पे भी जाकर के हम लोगों को फॉलो करें। मेरा आईडी है सोनम
स्वराज 95 एंड बाबू का आईडी आई एम शौर्य पांडे, तो आप वहां पे जाइए, हम दोनों को फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे फिर नए ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। I'm not afraid to die.